11 जनरेशन में जब हम कोई विंडोज़ डालने जाते हैं, विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10, तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी वाले ड्राइवर्स का। तो उसका मैं एक लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पेन ड्राइव में मैंने RST के ड्राइवर 11 जनरेशन के लिए डाउनलोड करके रखा है, तो इसको लगा देते हैं। इसके बाद पावर ऑन करते हैं, और इसमें क्या है, सिक्योर बूट ऑफ करना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि पेन ड्राइव से बूट करा सकें। इसपे सबसे पहले बायोस में जाके सिक्योर बूट ऑफ करना पड़ेगा। सिक्योर बूट को डिसेबल करेंगे, इसके बाद F10, यस। इसके बाद बूट ऑप्शन लाने के लिए F9 प्रेस करना है, ताकि मैं अपने पेन ड्राइव से बूट करा सकूं। सिक्योर बूट डिसेबल किया है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है ऑन होने में। अच्छा, सिक्योरिटी की आ गया है 4282। अभी हमने अपनी, ये हमारी पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव सिलेक्ट की बूट कराने के लिए। अभी इसमें मैं जा रहा हूँ विंडोज 10 इंस्टॉल करना। विंडोज 10 64 बिट सिलेक्ट किया। यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। इंग्लिश इंडिया। इसके बाद इंस्टॉल करने जाएंगे तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब बूट इंस्टॉल करने जाते हैं विंडोज़, तो उसमें जो SSD लगा है उसके पार्टीशन दिखाई नहीं पड़ते हैं। अभी यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसमें विंडोज डाल सके, तो इसमें काफ़ी लोग अटक जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली लोड ड्राइवर्स में जाएंगे। मैंने पहले ही अपने पेन ड्राइव में इंटेल RST के ड्राइवर डाउनलोड करके रखे हैं। इसमें ब्राउज में जाएंगे, और मैंने अपनी पेन ड्राइव में, तो ये RST फोल्डर के अंदर मैंने ड्राइवर डाउनलोड कर रखे हैं। एक्चुअली मैंने HP के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया था और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो इसमें एक्सट्रैक्ट करके ये जो F6 करके फोल्डर आएगा, इसके अंदर अपना ड्राइवर रहेगा। इसको ओके करेंगे तो ये दो ड्राइवर आ गए। इसमें जो ऊपर का है वो हमने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो अभी जो SSD नहीं शो कर रहे थे, अभी इसमें शो करने लगेंगे SSD के सारे पार्टीशन, और उस पर हम विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे इसलिए। अभी देखिए ये सारे विंडोज़ के पार्टीशन शो करने लगे, सॉरी SSD के पार्टीशन शो करने लगे। तो अभी हम जिसको भी डिलीट करना चाहें, जिसको फॉर्मेट करना चाहें, फॉर्मेट करके विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं।